बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? सादा पे की 42वीं गोल्डन टिकट, जी हाँ 42nd सादा पे इस गोल्डन टिकट में गिव अवे करने जा रहा हूँ फ्री में। और आप लोगों को प्रोसीजर पता है, 24 घंटे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। अब इस वीडियो के अपलोड होने के बाद किसी भी टाइम अगले 24 घंटों के अंदर अंदर, यानी कि नेक्स्ट 5 मिनट भी हो सकते हैं, अगला 1 घंटा भी हो सकता है, हो सकता है 3 घंटों बाद अपलोड कर दूँ, हो सकता है 12 घंटों बाद, हो सकता है 23वें घंटे, या हो सकता है 24वें घंटे में ही वो कोड वाली वीडियो अपलोड कर दूँ। उस वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए, और उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट करके ये ना बताइएगा सर मैं हाजिर हूँ, उसे प्रेजेंट पहला व्यूअर, उस कोड को सबसे पहले जैसे कहते हैं यूटिलाइज़ कर लेना। क्योंकि जब आप कोड को यूटिलाइज़ करोगे तो आपका सादा पे का वेट लिस्ट जो है वो स्किप हो जाएगा उसी वक्त, और लिखा आएगा यू आर नेक्स्ट इन लाइन। ठीक है, तो पॉइंट समझ आ गया है कि कैसे वो टिकट जीतनी है। 41 सादा पे की गोल्डन टिकट्स मैंने ऐसे ही फ्री में गिव अवे की हैं, लोगों ने जीती हैं, लोगों का जो है वेट लिस्ट स्किप हुआ है, लोगों को टिकट्स भी मिली हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ दोबारा कि जब आपके सामने मैं ये 42वीं सादा पे की गोल्डन टिकट शेयर करूँगा तो भाई नीचे कॉमेंट करने मत बैठ जाना कि सबसे पहले आपने व्यू किया है। आपने उस कोड को यूटिलाइज करना है, कोड को जीत लो, जब लिखा है यू आर नेक्स्ट इन लाइन वेट लिस्ट स्किप हो जाए फिर जाके कॉमेंट करो, फिर समझ भी आती है कि आपने वो चीज़ जीती है। लेकिन अपना टाइम वेस्ट मत किया करो, 3 दिन पता है क्या होता है, वो कोई और बंदा कोड को यूटिलाइज़ कर जाता है। और ये भी एक अपने जहन में जो कहते हैं ना, बात बैठा लेंगे आपको लगता है कि सर आप पहले बंदे होते हैं, आप पहले व्यूअर होते हैं जो वीडियो देख रहे होते हैं, लेकिन नहीं, आपके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो वीडियो देख रहे होते हैं। अल्लाह का शुक्र है 12,000 की फैमिली हो चुकी है, ये इंक्रीज़ हो रही है, तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। तो समझिए इस बात, ठीक है। अब आपसे मुलाकात होती है सादा पे की 42वीं गोल्डन टिकट के गिव अवे पे। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।